नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर है। एक्चुअली ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे उन पेशेंट्स के लिए जिनका कि अल्सरेटिव क्राइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो अल्सरेटिव क्राइटिस की कंडीशन होती है उसका मॉडर्न मेडिसिन में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में हम मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से 100% क्योर रेट इसका कहते हैं। लेकिन इसमें जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और डाइट का वो बार बार इशू उनको आता है कि वो बार बार भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप अपना डाइट जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में ठीक रखें, और उससे ही आपको 100% क्योर रेट मिलता है। तो सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्चुअली है क्या? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वहाँ अल्सर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। वहाँ पर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है इन्फ्लामेशन हो जाती है। एक्चुअली ये एक ऑटोइम्यून काइंड ऑफ कंडीशन है, और इसमें हमें बहुत ही सावधानी से अपना फूड चूज करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम मिल्क एंड मिल्क बेवरेजेस की, तो मिल्क आपको, अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित हैं तो आपको मिल्क कम्प्लीटली बंद करना है। मिल्क या उससे बनी किसी भी चीज़ को आपको नहीं लेना है, एक्सेप्ट कर्ड। आप दही ले सकते हैं, आपको दूध नहीं लेना है। आपको, आप छाछ ले सकते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में आप छाछ भी ले सकते हैं। आप दही ले सकते हैं, लेकिन आपको पनीर नहीं लेना है। आपको किसी भी तरह की दूध से बनी कोई भी मिठाई, वैसे तो स्वीट कोई भी है वो बंद होती है, किसी भी तरह का कोई भी आपको स्वीटनर नहीं लेना है अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित हैं। तो सेकेंड, आपको किस तरह, आपको सैलड या फाइबर रिच डाइट, उसकी अगर बात करते हैं तो आपको लो फाइबर डाइट लेनी है। फाइबर जिसमें कम हो आपको वो वाली डाइट चूज करनी है। सैलेड आपको अवॉइड करने हैं, बिल्कुल नहीं आपको लेने हैं, क्योंकि आपकी डाइजेशन में वो प्रॉब्लम करेंगे, आपको ब्लॉटिंग रहेगी, पेन एब्डोमेन रहेगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो फीचर्स रहते हैं, मेन सिम्टम्स रहते हैं, वो एब्डोमिनल पेन है, साथ में आपको जो स्टूल्स हैं वो बार बार होता है, आपको ब्लीडिंग का भी साथ में इशू रहता है। तो आपको सैलेड, क्योंकि कोई वो ऐसी चीज़ जो कि आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट करे वो आपको अवॉइड करनी है। तो सैलड्स या हाई फाइबर डाइट लाइक स्प्राउट्स हो गए वो भी आपको नहीं लेने हैं। हाई फाइबर डाइट आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। अगर आप किसी कोई लाइक फ्रूट ले रहे हैं, जैसे आप एप्पल ले रहे हैं, तो उसका जो आप स्किन है उसको उतार कर लेंगे, छिलका उतार कर आपको लेना है। सो हाई फाइबर डाइट इज कम्प्लीटली अवॉइडेड, लो फाइबर डाइट इज रिकमेंडेड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में आप सबसे पहले तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, वो आपको कम्प्लीटली बिग नो है, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मौसमी होए, चाहे वो लेमन होए, नींबू पानी वगैरह भी आपको नहीं लेना है। नींबू आपको नहीं लेना है, मौसमी आपको नहीं लेना है, ऑरेंजेस आपको नहीं लेने हैं। आपको सिर्फ जो फ्रूट हैं, बनाना आप ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको छिलका उतार के लेना है। आप नाशपाती ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, लेकिन स्किन इसकी भी आपको उतारनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप डाइट में रख सकते हैं। आपको ग्रेप्स नहीं लेना, आप जामुन ले सकते हैं। गावा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सीडलेस, सीड उसके निकाल कर और स्किन उसकी उतार कर आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, क्योंकि आपको डाइजेशन का इशू रहेगा। अगर आप डाइजेस्ट नहीं अच्छे से कर पाएंगे तो आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक जो फीचर रहता है वो कि वेट लूज, पेशेंट का वेट लूज बहुत होता है, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये वाला डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो वेट है वो भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में ज़रूरी है कि आप को बहुत ही कम वेजिटेबल्स हैं जो सूटेबल रहेंगी। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आपका पत्ता गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आपको बीन्स नहीं लेनी है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेनी है। आप ले सकते हैं तो आप जो लौकी है, लौकी, टिंडे और हलवा कद्दू, ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको लेनी है। लौकी ले सकते हैं आप, घिया ले सकते हैं, इसका आप जूस बना के भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग के लिए बहुत अच्छा एक काम करता है, लाइनिंग को बनाने का काम करता है जो घिये का जूस होता है। तो घिये की आप सब्जी भी बना के आप ले सकते हैं। आपको यही सिर्फ अपनी, आपको कोई भिंडी नहीं लेनी है, आपको अरबी भी नहीं लेनी है, आपको किसी भी तरह की ऐसी सब्जी नहीं लेनी है। नेक्स्ट इज कि बेवरेजेस, पीने में आप क्या ले सकते हैं। तो पीने में मिल्क तो अवॉइडेड है,
आप शुगर केन जूस भी नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का जैसे मौसम्बी का जूस है वो भी नहीं ले सकते हैं, आप कैरेट का जूस ले सकते हैं, ठीक है, आप अनार का जूस ले सकते हैं, लेकिन वो भी कम क्वांटिटी में आपको लेना है, अनार और गाजर का जूस आप ले सकते हैं, ठीक है, आप लौकी का जूस ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक, सोडा, किसी भी तरह का आपको चाय, कॉफ़ी, कैफिनेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, कैफिनेटेड भी आपको नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आपको नहीं लेना है, और आपको सिर्फ जो है कोकोनट वाटर आप ऐड कर सकते हैं, आपको नींबू पानी भी नहीं लेना है क्योंकि वो खट्टा रहेगा, तो सिट्रिक आपको कोई भी चीज़ ऐसा सच नहीं लेनी है, आपको ड्रिंक बियर विस्की इनको भी कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। वाटर आप ले सकते हैं, वाटर आपको डेली 2 से 3 लीटर आपको वाटर अपनी डाइट में रखना है, आप सुबह खाली पेट उठकर भी 2 से 3 गिलास थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर थोड़ा सा गुनगुना करके पानी को वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो कंडीशन है इसमें आप जैसे पल्सेस हैं, दालें हैं, वो कौन सी आप ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ मूंग दाल जो के छिलका उतारे वाली होती है, मूंग दाल या हरी मूंग की दाल, मसूर की जो बिना छिलके वाली दाल, मसूर दाल आप सिर्फ वो ले सकते हैं, आपको किसी भी तरह का चने चने या फिर राजमा, किसी भी तरह का बीन्स के जो है राजमा चने ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ हल्की फुल्की जो मूंग की दाल है वही आपको प्रेफर करनी है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्पाइसेस की अगर बात करते हैं कौन से मसाले आप ले सकते हैं, तो मसाले भी आप नहीं कोई भी लेंगे, आपको सिर्फ जो पाउडर रहता है उसका काली मिर्च का पाउडर आप बिल्कुल ही हल्की क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि वो आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई गर्म मसाला नहीं लेना है, आपको किसी भी तरह का जावित्री, लौंग कुछ भी नहीं अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, बिल्कुल आपको ब्लेंड जो डाइट है वही आपको फॉलो करनी है। आप खिचड़ी ले सकते हैं अपनी डाइट में, आप खिचड़ी ऐड ऑन करें चावल की और साथ में मूंग दाल की आप खिचड़ी ऐड ऑन करें, ठीक है, और आपको चावल वाइट राइस आप ले सकते हैं, वाइट राइस आप दाल के साथ आप ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट डाइट प्लान है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, फुल जो मखाने रहते हैं फॉक्स नट्स उनको आप ले सकते हैं, उनसे भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पोटैटो बॉइल्ड पोटैटोस 2 दिन में 2 बॉइल्ड पोटैटोस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो धुरवा एक ग्रास का है, धुरवा रस अवेलेबल रहता है, धुरवा रस वो आप ले सकते हैं, आपको किसी भी तरह का व्हीट ग्रास का रस नहीं लेना है, आंवला का जूस नहीं लेना है, एलोवेरा का जूस कुछ भी आपको नहीं लेना है, आप सिंपल धुरवा का रस ले सकते हैं या फिर आप इसमें मखाने ऐड करें। आप डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जैसे 1 कप आपने पानी लिया है उसमें आप आधा चम्मच डालेंगे जीरा, आधा चम्मच आप डालेंगे उसमें फेनल सीड्स दैट इज द सौंफ और साथ में जो रहते हैं आपके धनिया सीड्स जीरा और साथ में सौंफ, इसका आधा आधा चम्मच आपको डालकर बॉईल कर लेना है और बाद में उस पानी को छान कर आपको लेना है। सुबह आप खाली पेट इस रेमेडी को कर सकते हैं ताकि आपकी डाइजेशन इम्प्रूव रहे। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, कपाल भाती भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिंपल वॉक रखनी है, हल्की फुल्की योगा आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रेचिंग में, बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज भी इसमें नहीं करनी है। वाटर इनटेक का आपको ध्यान रखना है एंड त्रिकटू पाउडर एक अवेलेबल रहता है आयुर्वेदा का, वो आप जैसे फ्रूट खा रहे हैं, जैसे आप एप्पल खा रहे हैं तो त्रिकटू का पाउडर आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप जैसे बॉइल्ड पोटैटो ले रहे हैं तो भी आप त्रिकटू का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट गेन चाहते हैं तो आयुर्वेदा आपको कुछ भी किसी भी तरह का वे प्रोटीन नहीं लेना है, कुछ भी ऐसा प्रोटीन पाउडर या कुछ भी ऐसी जो फैट गेनिंग अवेलेबल है मार्केट में वो आपको कुछ भी नहीं लेना है, आप सिंपल आयुर्वेद का जो पाउडर रहता है अश्वगंधा का पाउडर, शतावरी का पाउडर और साथ में गोक्षुर का पाउडर, ये तीनों आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, इनको आपने 1-1 ग्राम तीनों को मतलब 3 ग्राम्स दूध के साथ, दूध नहीं आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ही अगर आप लेते हैं तो बेटर है। तो अश्वगंधा, शतावरी और गोक्षुर इसका पाउडर आपको डेली लेना स्टार्ट करना है और इससे भी आपका वेट गेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा।
नट्स की बात करते हैं तो नट्स भी आपको कम्प्लीटली अवॉइडेड हैं, आप सिर्फ एलमंड्स ले सकते हैं और साथ में रेजिन्स जो किशमिश है वो 2 से 3 दाने डेली रात को भिगो कर रखते हैं, सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं बादाम का भी और किशमिश का भी, 2 से 4 जो दाने हैं उतने ही आपको लेने हैं। इसके अलावा कोई पिस्ता आपको नहीं लेना है, कोई आपको वॉलनट नहीं लेना है, किसी भी तरह का और आपको नट्स नहीं लेना है, ना ही आपको सीड्स लेने हैं, सीड्स एंड नट्स आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो ये टाइप पैन है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई मेम्बर अगर सफ़र कर रहा है आप उनको शेयर करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।